जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में कि किस तरह से भगवती चरण बोहरा को बदनाम किया गया कि वो खुफिया विभाग के आदमी हैं, और इसका कितना अधिक दुष्प्रभाव पड़ा, कितना अधिक नुकसान हुआ। सभी लोगों ने उन पर अविश्वास करना शुरू कर दिया, कोई उन पर विश्वास नहीं करता था। खास करके चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग जो बहुत अधिक सतर्क रहते थे, वो तो और अधिक दूर हो गए। वो कभी मिलना भी पसंद नहीं करते थे। बाकी सब लोगों को उन्होंने कह रखा था कि मेरे बारे में कभी कुछ मत बताना या मुझसे कभी मिलवाने की कोशिश मत करना। ये लंबा समय तक चला जो उन पर अविश्वास लोग कर रहे थे। सोचिए, अशफाक उल्ला खान की गिरफ्तारी कब हुई है और काकोरी एक्शन कब हुआ है, उस समय से लेकर के भगत सिंह जेल में चले गए असेंबली में बम फेंकने के बाद, बाकी लोगों की गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन अब भी भगवती चरण बोहरा पर शक लोगों का कायम था। यहाँ तक कि उन पर वारंट जारी हो गया, खास करके जब कश्मीर बिल्डिंग जहाँ से सुखदेव किशोरी लाल की गिरफ्तारी हुई थी, वो मकान किराए पर इन्होंने ही अपने नाम से लिया था, भगवती चरण ने ही। तो फिर अब इनके ऊपर भी ये साफ साफ हो गया कि क्रांतिकारियों के साथ जुड़े हुए भगवती चरण बोहरा भी, तो उनके लिए भी वारंट निकल गया, वे भी फरार हो चुके थे, भगवती चरण बोहरा भी। इसके बावजूद उन पर शक किया जा रहा था और सारे लोग थोड़ा सा अविश्वास की नज़र से देखते थे। जो उनके बहुत करीब थे उनको कुछ कुछ यकीन हो चला था, ये मान बैठे थे कि नहीं, ये निर्दोष हैं। वो यशपाल थे, यहाँ तक कि भगत सिंह भी थे, या उनके लिए मकान में किशोरी लाल और सुखदेव रह रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को थोड़ा सा अब ये हो गया था यकीन कि नहीं, भगवती चरण हमारे पक्के साथी हैं, इनका खुफिया विभाग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग बिल्कुल दूरी बरत रहे थे, बिल्कुल दूर रह रहे थे। इस स्थिति के बावजूद भगवती चरण बोहरा लगातार संगठन के लिए काम कर रहे थे, और अब वे रहने लगे थे दिल्ली में, जब यहाँ से फरार हो गए, और दिल्ली में रह करके वहाँ बम फैक्ट्री खोलने की योजना बनी थी और उस हिसाब से काम आगे बढ़ रहा था। उसमें पैसों का भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे भगवती चरण बोहरा। और इस स्थिति से दूसरे बाकी लोग भी जो अब दिल्ली रह रहे थे और जिन लोगों का संबंध क्रांतिकारी दल से था, वो लोग भी थोड़ा सा अब ये मानने लगे थे कि भगवती चरण बोहरा निर्दोष हैं। दिल्ली का प्रभारी बनाया गया था कालीचरण को, नाम था कैलाशपति, लेकिन लोग उन्हें कालीचरण कहते थे, और कैलाशपति को दिल्ली का प्रभारी बनाया गया था। कैलाशपति ने देखा नज़दीक से भगवती चरण के व्यवहार को, दूसरे साथियों से जो पंजाब के थे उनसे कुछ इनपुट मिला, तो चंद्रशेखर आज़ाद को कैलाशपति ने भी कहा कि नहीं, आदमी तो ये ठीक है, कहीं से कुछ गड़बड़ लग नहीं रहा है। और ऐसी स्थिति में भगवती चरण बोहरा अपने हिसाब से योजना बना रहे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने की, और चंद्रशेखर आज़ाद भी इसी योजना पर अपने हिसाब से काम कर रहे थे। और इन्हीं दिनों में जब भगत सिंह को छुड़ाना था, कई लोगों को रेकी करने के लिए कि कैसे भगत सिंह को जेल से, एक जेल से दूसरे जेल ले जाया जाता है, क्योंकि भगत सिंह की स्कीम ये थी कि जब लाहौर सेंट्रल जेल से हर संडे को इनको ले जाया जाता था बोस्टल जेल में, कैसे ले जाया जाता था, भगत सिंह ने अदालत में दलील दी थी कि उन्हें अपने और जो साथी अभियुक्त हैं इस केस के उनसे डिस्कशन करना है, और आप लोगों ने हमें दो अलग अलग जगह पर रख दिया है, तो कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसा कीजिए कि हम डिस्कशन आपस में कर सकें। तो हर रविवार को लाहौर सेंट्रल जेल से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को ले जाया जाता था बोस्टल जेल, जहाँ बाकी अन्य क्रांतिकारियों को रखा है गया था। तो भगत सिंह ने योजना ये बाहर भिजवाई थी कि जब जेल से, एक जेल से दूसरी जेल हमें ले जाया जाए, उसी दरमियान देख करके सही मौका और हमला करके हमें छुड़ाया जाए, ये सबसे बेहतर मौका होगा, और इसी पर काम भी चल रहा था। तो इसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने कई लोगों को काम पर लगाया कि बढ़िया से रेकी करे, बताए कि कितने बजे निकलने का समय होता है, कितना बजे वहाँ बोस्टल इंस्टीट्यूट में अंदर पहुँचते हैं, फिर बोस्टल इंस्टीट्यूट जिसे बोस्टल जेल भी कहते हैं, बोस्टल इंस्टीट्यूट से कब फिर वापस लाहौर सेंट्रल जेल में लाया जाता है, कितने उस समय पुलिस रहती है, यहाँ गेट पर कितनी पुलिस रहती है, वहाँ गेट पर कितनी पुलिस रहती है, रास्ते में गाड़ी के साथ कितनी पुलिस चलती है, ये सब, लेकिन कोई कहीं से सटीक जानकारी नहीं आ रही थी। ऐसी स्थिति में विश्वनाथ वैशंपायन को फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि तुम जाओ भाई, अब तुम बढ़िया से पता लगा करके और आओ, ऐसा कि हमें कुछ योजना बनाने में मदद मिल सके।
और विश्वनाथ वैशंपायन पहुंचते हैं लाहौर। वहां उन्हें रहने की जगह एक निश्चित की जाती है। काशीराम के साथ वो गए थे लाहौर में। लाहौर में एक मोहल्ला है शहद मीठा। शहद मीठा मोहल्ले में ठहराया गया इनको, एक संस्कृत के स्टूडेंट थे उनके पास विश्वनाथ वैशंपायन को, और वे वहां से अब संडे को जा करके उन्होंने देखा कि किस तरह से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को निकाला गया। इनकी नज़र भी उन लोगों पर पड़ी। उन लोगों ने भी गाड़ी से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विश्वनाथ वैशंपायन को देखा, लेकिन सिर्फ वो निहारते रहे। और विश्वनाथ वैशंपायन ने तो लिखा है कि चेहरा भी नहीं दिखा, सिर्फ ये दिखा कि जाली से दो चेहरे सटे हुए, चूँकि जाली के उस तरफ जब आप किसी बंद जाली में देखते हैं तो चेहरा साफ नहीं दिखता है, तो उस तरह से दिख रहा था। और फिर वैसे ही गाड़ी चली गई। फिर ये पहुँचे बोस्टल इंस्टीट्यूट, वहाँ से भी जब गाड़ी से वो लोग वापस लौट रहे थे तो उसी तरह से देखा देखी हुई। और ये सीन देखा विश्वनाथ वैशंपायन ने। विश्वनाथ वैशंपायन 2 से 3 सप्ताह तक वहाँ ठहरे और उन्होंने बारीकी से सब कुछ मुआयना किया। और जब उन्हें लगा कि अब उन्हें चलना चाहिए तो उन्होंने जिनके पास वो ठहर रहे थे कहा कि अब हमारे लिए जाने की व्यवस्था कर दीजिए। पैसे रहते नहीं थे, व्यवस्था कर दीजिए मतलब पैसा की व्यवस्था कर दीजिए, अब हमें लौटना है। तो वो आदमी चला गया और फिर वापस लौट करके संदेश दिया कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं, काम अब यहीं पर होना है, तो आपके लिए सारी व्यवस्था यहीं कर दी गई है, अब आप यहीं रहेंगे। तो इन्हें आश्चर्य हुआ कि ये आदेश कौन दे सकता है कि मुझे यहीं रहना है और अब काम आगे होगा यहीं पर। कहीं चंद्रशेखर आजाद तो किसी माध्यम से नहीं ये आदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये आदेश उनके अलावा कोई और दे नहीं सकता था। तो विश्वनाथ वैशंपायन ने उस आदमी से पूछा कि ये हमारे लिए यहाँ पर कौन व्यवस्था कर रहा है अभी तक जो हम रह रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि आपको नहीं पता है, ये मिसेज भगवती चरण बोहरा आपके लिए व्यवस्था कर रही हैं। विश्वनाथ वैशंपायन ने उस आदमी से पूछा कि ये हमारे लिए यहाँ पर कौन व्यवस्था कर रहा है अभी तक जो हम रह रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि आपको नहीं पता है, ये मिसेज भगवती चरण बोहरा आपके लिए व्यवस्था कर रही हैं। अब इनका पूरा माथा हिल गया कि जिस आदमी से बचने के लिए हम सब भाग रहे हैं, पता चल रहा है कि यहाँ 3 सप्ताह से रह रहे हैं, उन्हीं की पत्नी हमारी व्यवस्था कर रही है। उन्हें इसका मतलब कि सब कुछ पता है। वो आसानी से चाहती तो गिरफ्तार करवा सकती थी, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं करवा रही हैं, वो हमारी मदद कर रही हैं। एक और बात खासतौर पर इन्हें याद आ रही थी कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि भूल करके भी किसी भी हालत में भगवती चरण बोहरा या उनकी पत्नी से मत मिलना। चूंकि आजाद हमेशा सतर्क रहते थे, अत्यधिक सतर्क रहते थे कि कहीं किसी को कुछ पता न चले, और यहाँ पता चल रहा है विश्वनाथ वैशंपायन को कि वो तो उन्हीं के रहमो करम पर यहाँ 15-20 दिन से ठहरे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में उनको लगा कि कुछ कहीं गलत फहमी हो रही है, कुछ बड़ी गलती हो रही है, और वो फैसला करते हैं कि भगवती चरण की पत्नी मिसेज भगवती चरण यानी दुर्गा भाभी से मुलाकात करेंगे। और अगले दिन दोनों मिलते हैं तो दुर्गा भाभी से पूछते हैं ये विश्वनाथ वैशंपायन कि आप मुझे कैसे जानती हैं और कितना जानती हैं। तो दुर्गा भाभी कहती है कि क्यों, आप दिल्ली से आए हैं ना, उन्होंने ही आपको भेजा है ना, उन्होंने मतलब भगवती चरण ने। तो विश्वनाथ वैशंपायन बोलते हैं कि नहीं, हमको तो चंद्रशेखर आजाद यहाँ भेजे हैं, हम कानपुर से आए हैं। तो अब आश्चर्यचकित हो जाती है और खुश भी होती है दुर्गा भाभी कि अच्छा आप चंद्रशेखर आजाद के पास से आ रहे हैं। देखिए ना, वो तो मतलब भगवती चरण, वो कई बार मिलने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। दोनों को मिलवाइए या यहीं पर रहिए, मैं भगवती चरण को यहीं पर बुलवा देती हूँ और फिर आप लोग जाइएगा। तो विश्वनाथ वैशंपायन कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे जाना होगा, मैं जाता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के बाद मैं बातचीत करूँगा कि वो दोनों आपस में मिल लें और फिर आगे मिल करके काम करें, मेरा जाना ज़रूरी है, तभी इन दोनों की भेंट मुलाकात हो सकती है। इससे पहले एक बार ऐसा हुआ कि भगवती चरण बोहरा अपने स्तर से कई तरह से मिलने की कोशिश कर रहे थे। इसी में 21 अक्टूबर 1929 को वो कानपुर पहुँचे थे गणेश शंकर विद्यार्थी के पास, चूँकि गणेश शंकर विद्यार्थी सभी क्रांतिकारियों के संपर्क में रहते थे पक्के कांग्रेसी, वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, लेकिन सभी क्रांतिकारियों से उनकी सहानुभूति थी और सभी क्रांतिकारी भी उन पर पूरा यकीन पूरा विश्वास करते थे। उनके पास पहुँचे
भगवती चरण बोहरा और कहा कि हमको चंद्रशेखर आज़ाद से मिलवाइए, हम लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि उनका एक बार परमिशन ले लें। और साथ में 500 रुपये भी लेकर के गए थे, उस जमाने में 500 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि आपके बारे में मैंने कहा था आज़ाद से, लेकिन आज़ाद आपसे नहीं मिलना चाहते हैं और ना तो वो आपसे किसी तरह का संपर्क रखना चाहते हैं और ना ही आपसे किसी तरह की वो मदद लेंगे। भगवती चरण बोहरा पहले भी एक दो बार कोशिश कर चुके थे और फिर वो लौट आते हैं। ये जब भगवती चरण बोहरा गए हैं कानपुर, ये 21 अक्टूबर 1929 की बात है। लेकिन इस बार एक तो कैलाशपति ने कुछ चंद्रशेखर आज़ाद को बताया था भगवती चरण बोहरा के बारे में, फिर अब विश्वनाथ वैशंपायन लौटे तो चंद्रशेखर आज़ाद से उन्होंने सारी बातें कही और कहा कि ये सब केवल झूठ मूठ के गलत फहमी कुछ लोगों ने फैला रखी है, सब कुछ वहाँ पर भगवती चरण बोहरा के ही रहमो करम पर चल रहा है। आज़ाद ये भी जान चुके थे कि दिल्ली का ऑफिस भी उनके रहमो करम पर है, लाहौर में जो बम फैक्ट्री पकड़ी गई कश्मीर बिल्डिंग वो भी भगवती चरण बोहरा का ही, ये विश्वनाथ वैशंपायन गए तो इनके पूरा रहने ठहरने खाने पीने सब कुछ का इंतजाम हुआ तो भगवती चरण बोहरा की तरफ से ही, दुर्गा भाभी ने किया। और कहीं अभी तक कोई ये नहीं महसूस हुआ है, किसी के बारे में एक आदमी ऐसा नहीं जो कहे कि हाँ उसे भगवती चरण बोहरा के कारण नुकसान हुआ है। तो वो भी यानी चंद्रशेखर आज़ाद भी मान लेते हैं कि भगवती चरण बोहरा के बारे में गलत बातें फैलाई गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और तब फिर वो मिलने को तैयार हो जाते हैं। फिर दिल्ली में भगवती चरण बोहरा और यशपाल थे, उन दोनों को विश्वनाथ वैशंपायन आने के लिए दिल्ली यहाँ कानपुर सूचित करते हैं। दोनों वहाँ कानपुर पहुँचते हैं और यहीं पर ये नवंबर 1929 की बात है, एग्जैक्ट जो तिथि है कहीं पर अभी नहीं मालूम है, लेकिन ये तय है, सबने लिखा है कि नवंबर 1929 का वो कोई दिन था जब आपस में भेंट हुई चंद्रशेखर आज़ाद और भगवती चरण बोहरा की। भगवती चरण बोहरा और यशपाल जब पहुँचे थे कानपुर तो उन्हें चट्टाई मोहल्ला के बासेवाड़े में ठहराया था विश्वनाथ वैशंपायन ने और फिर वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद को बुलाया। चंद्रशेखर आज़ाद आए, भगवती चरण बोहरा और चंद्रशेखर आज़ाद इस तरह से मिले कि जैसे बिल्कुल दो बिछड़े हुए भाई मिले हों। और वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि देखो भाई, हमने तुम पर शक किया या तुमसे नहीं मैं मिलना चाहता था, नहीं मिला तुम्हारे बार बार आग्रह के बावजूद, तो इसमें बुरा मत मानना, परिस्थिति जैसी बनाई गई थी और जिस तरह से बातें सब जगह चल रही थी उस हिसाब से मैंने ये किया। भगवती चरण भी हंसते हुए रहे और वो बातें भूल गए और फिर इस तरह से वो एक हुए। तो ये कहानी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे क्रांतिकारी किस तरह से भगवती चरण बोहरा से दूरी बना करके रख रहे थे और कितना अधिक उनके बारे में गलत ढंग से अफवाह फैलाई गई थी। और ये अफवाह फैलाने वाले थे नेशनल कॉलेज के ही शिक्षक, जो जिन्होंने भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, सुखदेव इन सबको पढ़ाया था और जो लाहौर के बड़े क्रांतिकारी, पंजाब के बड़े क्रांतिकारी कभी रह चुके थे, कहला चुके थे जयचंद्र विद्यालंकार उन्होंने, और वो कभी भी इस अफवाह से बाज नहीं आए। यशपाल ने अपनी किताब सिंहावलोकन में यह भी लिखा है कि जब दिल्ली में साथ में रह रहे थे भगवती चरण और यशपाल, उस समय भी जब यशपाल को मिले जयचंद विद्यालंकार दिल्ली में, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि देखना भगवती से सतर्क रहना, नहीं तो पकड़वा देगा, बहुत एकदम घाघ आदमी है, उस सबको एक साथ ले डूबने के चक्कर में है, हम पक्का बता रहे हैं कि वो खुफिया विभाग का आदमी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए। आपके संपर्क में जो ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रांतिकारियों में रुचि है तो उनके पास वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।